हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी पंचायत सहायकों और साथ ही साथ जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं या जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों या कार्यकर्ताओं के मानदेय के बारे में और साथ ही साथ जो है पंचायत सहायकों के मानदेय के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां जितने भी लोग हैं इनके द्वारा जो है अब अपना मानदेय 10,000 रुपए पर मंथ कराने के लिए सरकार से अपील किया जा रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं इनके द्वारा जो है हर जगह पर, यानी कि तहसील पर, विकास भवन पर, ब्लॉक पर, इनके द्वारा जो है धरना देकर या अनशन करके जो है ये चीज़ें मांग किया जा रहा है कि उनका जो मानदेय है ये 10,000 रुपये पर मंथ कर दिया जाए। तो आप लोगों को बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका जो मानदेय है इस बीजेपी सरकार द्वारा बढ़ाने की बातें की गई थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2017 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय जो है बीजेपी की घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को जो है डबल करने की बातें कही गई थी। कहा गया था कि सरकार बनने के महज 120 दिनों के अंदर एक कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का जो मानदेय है ये डबल कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी बार भी जो है योगी जी सत्ता में आए, दूसरी बार भी जो है बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर भी जो है इनके द्वारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया और ना ही जो है इनके द्वारा कोई कमेटी गठित हुई। वहीं अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो वहां के जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है ये जो है 9,300 रुपये पर मंथ है, और वहीं अगर पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है ये 8,250 रुपये है, वहीं अगर पुदुचेरी में देखा जाए तो 15,000 रुपये पर मंथ है, केरल में भी 15,000 रुपये पर मंथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। वहीं अगर उड़ीसा में बात किया जाए तो 7,500 रुपये जो है उन्हें पर मंथ दिया जाता है, वहीं अगर गुजरात में देखा जाए तो 7,800 रुपये यानी कि 7,800 रुपये पर मंथ इन्हें जो है मानदेय दिया जाता है, और उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है पहले 7,500 रुपये दिया जाता था लेकिन उनके जो मानदेय में है 1,800 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इसी प्रकार जो है उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय अब 9,300 रुपये पर मंथ दिया जाता है। वहीं अगर हरियाणा की बात किया जाए तो वहां पर जो है 12,661 रुपये मानदेय दिया जाता है, और वहीं अगर महाराष्ट्र में बात किया जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय है ये पर मंथ 8,500 रुपये दिया जाता है। अगर दिल्ली में बात किया जाए तो वहां पर भी जो है 9,700 रुपये पर मंथ दिया जाता है, लेकिन उनके भी जो है मानदेय में वृद्धि कर दिया गया है। इसी प्रकार जो है उन्हें नया मानदेय 12,720 रुपये दिया जाता है। वहीं अगर असम में बात किया जाए तो 6,500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, वहीं अगर सिक्किम में बात किया जाए तो 11,500 रुपये पर मंथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाता है, और वहीं जम्मू कश्मीर में बात किया जाए तो वहां पर जो है 5,100 रुपये यानी कि 5,100 रुपये पर मंथ दिया जाता है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, और वहीं राजस्थान में देखा जाए तो 8,700 रुपये यानी कि 8,700 रुपये पर मंथ दिया जाता है, और फ्रेंड्स वहीं झारखंड में देखा जाए तो 6,400 रुपये दिया जाता है पर मंथ, और अगर वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 10,000 रुपये पर मंथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाता है, और वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो 5,950 रुपये जो है इन लोगों को मानदेय दिया जाता है। और फ्रेंड्स वहीं आप लोगों को बता दें कि अगर यूपी की बात की जाए यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के बारे में बताया आप लोगों को तो यहां पर जो है इन लोगों को 5,500 रुपये यानी कि 5,500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इस सरकार द्वारा यानी कि बीजेपी सरकार द्वारा ये चीज़ें बताया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर एक कमेटी गठित करके इन लोगों का जो मानदेय है ये प्रोत्साहन राशि मिलाकर इन लोगों का जो मानदेय है ये 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और वहीं अगर देखा जाए पंजाब में तो 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, और अगर देखा जाए वहीं गोवा में तो 15,000 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है पंचायत सहायकों के खिलाफ कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। पंचायत सहायकों को जो है केवल और केवल 6,000 रुपये पर मंथ की सैलरी इन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी सीख है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो भी सूची आप लोगों को बताया
आप लोग देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपए का मानदेय पर मंथ दिया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है कितनी बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मानदेय देखा जाए तो आप लोगों को जो है केवल 6,000 रुपए पर मंथ मानदेय दिया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कहीं ना कहीं इन लोगों के बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद या सरकार द्वारा जो है अपील करने के बाद जो है ये पॉसिबल हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों का भी समय आ गया है, आप लोग भी जो है हर एक जगह एक जो है अपना संघ क्रिएट कर जो है आप लोग अपने मानदेय के लिए सरकार द्वारा अपील जरूर करें। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपील नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो मानदेय है ये 6,000 रुपये पर मंथ ही रह जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय है ये 15,000 रुपये पर मंथ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है मानदेय क्यों 10,000 रुपए नहीं हो सकता है? तो आप लोगों को जो है इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के मानदेय के संबंध में, यानी कि आप लोगों का मानदेय कितने रुपए बढ़ाया जाएगा या बढ़ने की इस पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कल के जो है बजट में क्या कुछ कहा गया इस पर भी जो है हम आज शाम तक वीडियो बना देंगे। तो आप लोग जो है अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जो है वीडियो बनाकर बताएंगे कि उस बजट में जो है आप लोगों के मानदेय में क्या डिस्कशन किया गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।